नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां नगर के ख्वाजा जहांपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शहीद सुदामा राजभर को नगर पालिका अध्यक्ष तो ये पालकी और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ख्वाजा जहांपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में लगी उनकी प्रतिमा पर नगर पालिका के अध्यक्ष तो ये पालकी ने माल्यार्पण किया। साथ ही वहां मेले का आयोजन किया गया, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आप देखें ये वीडियो, इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष तो ये पालकी ने क्या कुछ कहा, आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। पालकी चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया? ये आज सुदामा राजभर जी जो 2001 में शहीद हुए थे पुंछ जम्मू कश्मीर में, उन्हीं की याद में आज शहादत दिवस है और हर साल ये मनाया जाता है और यह आयोजन बहुत भव्य तरीके से हर साल मनाया जाता है। आयोजन का शुरुआत मुख्तार अंसारी ने किया था और तब से 2001 से बराबर निरंतर होता आ रहा है और यहाँ पर उनकी विधवा बैठी हुई हैं जो उनकी पत्नी हैं आशा देवी, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है साड़ियों से। तो सारा काम हो चुका है और मैं शहीद सुदामा राजभर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को सैनिक स्कूलों में भेजें, देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए, देश की रक्षा के लिए। और यहाँ से बहुत से बच्चे गए भी हैं जो सैनिक स्कूलों में, और उसके बाद हमारा नगर पालिका द्वारा मांग किया गया था कि लांस नायक सुदामा राजभर जी का मूर्ति पर ये रेलिंग लगाने का, वो हमने अभी इसी कुछ दिन पहले कराया है। मांग किया गया था कि यहाँ पे शौचालय होना चाहिए, हमने नागरिक सुविधाओं के लिए शौचालय बना दिया है, गेट की रंगाई पोताई की है, इनके सम्मान में हो रहा है। मैं यहाँ की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर से मैं राजभर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि इन्होंने अपने वीर जवान, ऐसा जवान पैदा किया जिसने शहादत दी और आज उसका नाम से ये पूरा इलाका जाना जाता है। अब शहीदों का नाम होता है सुदामा राजभर का नाम दिया जाता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं यहां की जनता को और यहां का इलाका उन्हीं के नाम से जाना और पहचाना जाएगा और विकास भी होगा और इनके नाम पे बहुत से विकास होने जा रहे हैं जो इस ख्वाजा जहांपुर को हुए भी हैं और होने जा रहे हैं। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।